हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के EXT एंड XFS फाइल सिस्टम के बीच में डिफरेंस को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, EXT और XFS को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि फाइल सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग लाइनक्स विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी वॉल्यूम या कोई भी पार्टीशन क्रिएट करते हैं, तो उस पार्टीशन को यूज करने के लिए हमें पहले उसे फॉर्मेट करना होता है। फॉर्मेट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग किसी भी पार्टीशन को दो फाइल सिस्टम के द्वारा फॉर्मेट कर सकते हैं, या तो वो फैट होता है या फिर NTFS होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर केवल यही दो फाइल सिस्टम होते हैं, फैट और NTFS, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी पार्टीशन को फॉर्मेट करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। माई कंप्यूटर के अंदर जाना, यहाँ पर मेरे पास में एक ई ड्राइव रखा हुआ है। अब अगर आप इस ई ड्राइव को फॉर्मेट करना चाहते हैं, इस पर राइट क्लिक कीजिएगा, फॉर्मेट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप देख सकते हैं कि फाइल सिस्टम फैट और NTFS, ये दो हमारे पास में फाइल सिस्टम अवेलेबल है, जिसके द्वारा आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किसी भी पार्टीशन को फॉर्मेट करते हो। और उस जब तक हम लोग किसी भी पार्टीशन को फॉर्मेट नहीं करते हैं, आप उस पार्टीशन को डेटा सेव करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। तो ये दो फाइल सिस्टम होते हैं। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी भी पार्टीशन या वॉल्यूम को फॉर्मेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फैट और NTFS फाइल सिस्टम। इसी तरह दोस्तों, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर आप किसी भी पार्टीशन को क्रिएट करते हो और उस पार्टीशन को फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए भी हम लोग दो टाइप के फाइल सिस्टम यूज करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। फर्स्ट होता है EXT4 एंड XFS। ये दो फाइल सिस्टम होते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी पार्टीशंस या वॉल्यूम को फॉर्मेट करते हैं और उनके अंदर डेटा सेव कर सकते हैं। अब EXT4 और XFS फाइल सिस्टम के अंदर डिफरेंस क्या है? ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम दोस्तों ध्यान रखना, EXT4 जो है ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था RHEL 6 के अंदर, लेकिन XFS जो है ये RHEL 7 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। RHEL 6 के अंदर XFS अवेलेबल नहीं था। ठीक है, EXT स्टैंड फॉर फोर्थ एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, XFS स्टैंड फॉर एक्सटेंड फाइल सिस्टम। इसके बाद दोस्तों, अगर आप किसी भी पार्टीशन को या किसी भी वॉल्यूम को EXT4 के द्वारा फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो उस वॉल्यूम का मैक्सिमम साइज जो है ये 1 EB हो सकता है। लेकिन XFS के द्वारा आप अगर किसी भी पार्टीशन या वॉल्यूम को फॉर्मेट करते हैं, तो उसका मैक्सिमम साइज जो है वो 8 EB हो सकता है। इसके बाद अगर आप EXT4 फाइल सिस्टम के द्वारा फॉर्मेट किए गए ड्राइव में या फिर वॉल्यूम में या फिर पार्टीशन में किसी भी फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो उस फाइल का मैक्सिमम साइज जो है वो 16 TB तक हो सकता है, यानी कि टेराबाइट तक हो सकता है। लेकिन XFS फाइल सिस्टम के पार्टीशन के अंदर अगर आप किसी भी फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो उसका मैक्सिमम साइज जो है वो 8 EB हो सकता है। इसके बाद EXT4 और XFS के अंदर
एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के अंदर ही जब आप कोई भी फाइल सेव करते हैं तो उसका फाइल नेम का साइज जो है वो 250 bytes हो सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं EXT4 के अंदर भी मैक्सिमम फाइल नेम साइज इज 255 bytes और यहाँ पर भी XFS के अंदर भी मैक्सिमम फाइल साइज इज 255 bytes। ये दोनों में सेम है इसके द्वारा। दोस्तों जब हम लोग किसी भी पार्टीशन को EXT4 के द्वारा फॉर्मेट करते हैं तो उस पार्टीशन के अंदर आप मैक्सिमम 4 billion तक फाइल्स एंड डायरेक्टरीज सेव कर सकते हो। इसके बाद अगर आप किसी भी पार्टीशन को XFS के द्वारा फॉर्मेट करते हो तो उस पार्टीशन के अंदर आप 2 की पावर 64 फाइल्स और डायरेक्टरीज को सेव कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट डिफरेंस आता है, अगर आप किसी भी पार्टीशन को EXT4 फाइल सिस्टम के द्वारा फॉर्मेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग जो फाइल कमांड यूज करते हैं वो होती है mkfs.ext4 स्पेस, और उस पार्टीशन का पाथ प्रोवाइड करेंगे जिसे आप EXT4 के द्वारा फॉर्मेट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप XFS फाइल सिस्टम के द्वारा किसी भी पार्टीशन को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं mkfs.xfs स्पेस पार्टीशन का पाथ। इसके बाद अगर आप किसी भी पार्टीशन को EXT4 के द्वारा फॉर्मेट करते हैं तो दोस्तों उस पार्टीशन के अंदर आप मैक्सिमम 64,000 सब डायरेक्टरीज को सेव कर सकते हो। अगर आप XFS फाइल सिस्टम के द्वारा फॉर्मेट किए गए पार्टीशन के अंदर आप सब डायरेक्टरीज को सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है, यानी कि आप XFS फाइल सिस्टम के पार्टीशन के अंदर आप अनलिमिटेड सब डायरेक्टरीज सेव कर सकते हो। तो अगर हम लोग देखें EXT4 के अंदर आप 4 billion तक फाइल सेव कर सकते हो और 64,000 सब डायरेक्टरीज सेव कर सकते हो। XFS फाइल सिस्टम के पार्टीशन के अंदर आप 2 की पावर 64 फाइल सेव कर सकते हो और अनलिमिटेड सब डायरेक्टरीज सेव कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के EXT4 और XFS फाइल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया।